अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी ऐसे पिगमेंट्स जिनको यूज़ करके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। नाउ वी नो दैट सन एमिट डिफरेंट रेंजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उन रेडिएशन में से छोटा सा हिस्सा हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा होता है, और उस हिस्से को विजिबल स्पेक्ट्रम और विजिबल लाइट बोलते हैं। ये जो बाकी जितने भी वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं, ये मोस्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ओजोन लेयर। अब ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये छोटा सा जो रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल काइंड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और इस स्पेक्ट्रम के अंदर भी डिफरेंट रेंजेस ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट होती हैं, और इसकी जो रेंज स्टार्ट होती है 380 to 750 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, इसके करीब करीब होती है, आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है। एंड वी नो दैट शॉर्टर वेवलेंथ हैव ग्रेटर एनर्जी एंड लॉन्गर वेवलेंथ हैव लोअर एनर्जी। अब जो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल काइंड ऑफ लाइफ, क्योंकि इसी विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट को यूज़ करके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, यानी इसी विजिबल लाइट को कन्वर्ट करते हैं, इसकी अंदर की एनर्जी को प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं टू केमिकल एनर्जी, और फिर वो केमिकल एनर्जी यूटिलाइज होती है फॉर ऑल वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। नाउ ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, इससे फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि इस लाइट को यूज़ कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि पिगमेंट क्या होता है। पिगमेंट इज़ द मटेरियल दैट हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट सर्टन वेवलेंथ ऑफ लाइट। पिगमेंट ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट सर्टन वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो इन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी कर सके और सम पिगमेंट्स इन वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट भी कर सके। एग्जांपल से देख लेते हैं। ब्लैक पिगमेंट की अगर हम बात करें, तो ब्लैक पिगमेंट के अंदर एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ। ये जितनी भी वेवलेंथ प्रेजेंट होती हैं लाइट के अंदर, उसे ब्लैक पिगमेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कोई रिफ्लेक्शन नहीं देता, इसलिए वो जगह हमें डार्क नज़र आती है। इसके अलावा वाइट पिगमेंट को अगर हम देखें, तो वाइट पिगमेंट के अंदर ये एबिलिटी होती है टू रिफ्लेक्ट ऑल वेवलेंथ। वाइट जो पिगमेंट है वो इन सब वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसी वजह से हमें वो एरिया, वो पिगमेंट वाइट नज़र आता है। फॉर एग्जांपल दिस बोर्ड रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट्स, दैट्स वाई इट अपीयर वाइट। So we see green when we look at the leaf, because leaf of plant reflect green and absorb all other wavelength. हम जब प्लांट की लीव्स की तरफ देखते हैं, तो प्लांट के लीव्स ग्रीन नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है कि प्लांट के लीव्स जो हैं, ये ग्रीन वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं और बाकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब बाकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, ग्रीन रिफ्लेक्ट होगी, तो हमें वही चीज़ नज़र आएगी जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। वाइट जो है, वाइट इसलिए नज़र आता है कि ये सब जो वेवलेंथ जब आपस में मिलती हैं तो वाइट कलर बनता है। जैसे सन से जो लाइट आ रही होती है वो वाइट होती है, बट जब उसका स्पेक्ट्रम देखना हो, तो आप प्रिज्म से उसे पास करें, तो आपको सारे उसके अंदर के कलर्स नज़र आएंगे। ओके, अब हम देखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या हैं और कितने हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैव टू मेन टाइप्स और क्लासेस। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की दो मेन टाइप्स और क्लासेस हैं, क्लोरोफिल्स, नाम सुना होगा आपने, एंड कैरोटीनाइड्स। ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा भी होते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनाइड्स। रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट टू एब्जॉर्ब इज टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का रोल क्या है कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और केमिकल एनर्जी को फिर प्लांट्स और ऑल अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं फॉर वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू पोर्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन, हेंस अपीयर ग्रीन। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, रेड और ब्लू पोर्शन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये ब्लू और रेड पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन पोर्शन को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन नज़र आता है। और ये बहुत ज़्यादा मकदार में प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए प्लांट के लीव्स हमें ग्रीन नज़र आते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई एंड बैक्टेरियो क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल ए है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है क्लोरोफिल की, और ये सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट सम बैक्टीरिया।
कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एल्जी हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हैं, सब में क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए भी आता है। क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल बी पिगमेंट फाउंड इन ग्रीन एल्जी एंड प्लांट्स। ये बैक्टीरिया में आपको नहीं मिलेगा, ब्राउन रेड येलो एलजी में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ग्रीन एलजी और प्लांट्स में आपको क्लोरोफिल बी पिगमेंट मिलेगा। क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते। क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी में कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस होती है। ओके, बैक्टीरिया जो जिनके अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट नहीं होता उनके अंदर फिर बैक्टेरियो क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का अमल करवाता है। ओके, क्लोरोफिल सी डी ई रह गए हैं, तो ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स हैं ये वेरियस ग्रुप ऑफ एलजी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्लोरोफिल की। ये एक सिंपलर स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की है, वैसे बड़ी कम्प्लेक्स होती है। तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है इसके दो पोर्शन होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होती है। जो हेड होता है उसका सेंट्रल जो एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है, सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीशियम होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और इसकी जो चार साइड पे है ना, चार पायरोल रिंग प्रेजेंट होती हैं। पायरोल रिंग चार कार्बन और एक नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, इसे पायरोल रिंग बोलते हैं। और ये चार पायरोल रिंग मैग्नीशियम एटम को सराउंड कर रही होती हैं, और ये जो चार पायरोल रिंग हैं ये कंबाइनली पोरीफेरिन कहलाती हैं। ये जो कंबाइन हेड होता है चार पायरोल रिंग का, इसे पोरीफेरिन कहते हैं, ठीक है। और ये जो हेड होता है इसकी नेचर कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक, यानी ये वाटर लविंग होता है। अब जो अदर पोर्शन है क्लोरोफिल का उसे टेल कहते हैं, हाइड्रोफोबिक होती है ये नेचर में, यानी वाटर रिपेलिंग होती है, और ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है। नाउ वी नो दैट कि जो क्लोरोफिल है वो किस में प्रेजेंट होती है, थायलेकाइड के अंदर। तो थायलेकाइड की मेम्ब्रेन में जो है हेड होता है क्लोरोफिल का, ठीक है, और जो थायलेकाइड का जो ल्यूमेन है या इंटरनल एरिया उसमें टेल प्रेजेंट होती है। तो ये जो इंटरनल एरिया है ये हाइड्रोफोबिक होता है और टेल भी हाइड्रोफोबिक है, इसलिए टेल अच्छे तरीके से एंकर हुई होती है। ये तो आ गई क्लोरोफिल की बात। अब हम दूसरे पिगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल की तरह, उसे बोलते हैं कैरोटीनाइड। ये प्लांट्स में या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ये पिगमेंट जो हैं ये येलो ऑरेंज रेड और ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं, इन सब कलर के पिगमेंट्स होते हैं, एब्जॉर्ब ब्लू वायलेट रेंज एंड रिफ्लेक्ट रेड। ये ऐसे कलर्स के क्यों होते हैं, क्योंकि ये ब्लू और वायलेट लाइट को कैप्चर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि ये मोस्टली रेड पोर्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तीन कलर ही ड्रा किए हैं, वैसे 7-8 कलर्स होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। दे आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट। कैरोटीनाइड को एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कहा जाता है, यानी ये बहुत ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल्स होते हैं। क्यों? बिकॉज दे अब्जॉर्ब इंटेंस लाइट एंड पास दैट टू क्लोरोफिल। क्योंकि ये इंटेंस जो काफ़ी हाई एनर्जी वाली जो लाइट होती है उसे एब्जॉर्ब कर देते हैं और फिर क्लोरोफिल की तरफ भेजते हैं, और क्लोरोफिल उन्हें फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। सो इसलिए इस बेसिस पर इन्हें हम फोटो प्रोटेक्टर भी कहते हैं, कैरोटीनाइड्स को, यानी ये लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट को, ठीक है, या प्लांट्स को आप कह सकते हैं। दैट इज़ दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम इंटेंस लाइट, क्योंकि ये प्लांट्स को इंटेंस लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। इनके अंदर कैरोटीनाइड्स की भी दो टाइप्स हैं, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। कैरोटीन जो है वो रेड ऑरेंज कलर की होती है और जेंथोफिल येलो। कैरोटीन आपको गाजर वगैरह जब टोमेटो पकता है वहाँ पर आपको नज़र आएगी, जेंथोफिल येलो कलर के होते हैं। और कैरोटीनाइड कैन बी सीन ड्यूरिंग ऑटम व्हेन क्लोरोफिल ब्रेक डाउन ड्यू टू लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये प्लांट्स के अंदर आपको मोस्टली नज़र नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ग्रीन कलर इनके कलर को मास्क कर देता है। बट जब लो इंटेंसिटी या आटम खजां का महीना आता है तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो क्लोरोफिल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। क्लोरोफिल कम होना शुरू होगा तो कैरोटीनाइड जो हैं वो अपीयर होना शुरू होंगे, इसलिए उस सीज़न में हमें कलर जो है प्लांट के पत्तों का येलो और रेड कलर का मिलते हैं, इसी वजह से, क्योंकि उनमें कैरोटीनाइड अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।